धमतरी जिले में कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ किसान संघ ने पुरूर गांव में चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। वहीं नेशनल हाईवे क्रमांक 30 को बंद करके किसान सड़क पर ही बैठ गए। इधर डोंडी लोहारा के पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है और किसान पूंजीपतियों के हाथों शोषण का शिकार है। धमतरी किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने किसानों के हित में समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करने तक सड़क पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। इस पूरे देश को निजीकरण के कानून के माध्यम से, पीपी मॉडल के कानून के माध्यम से इस देश को निजीकरण के गर्त में ढकेल देना चाहती है, कारपोरेट घराने के मुंह में डाल देना चाहती है। ऐसे नीतियों का विरोध पूरे देश के अंदर। आज हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज चक्का जाम किए हैं। सबसे पहला मांग है केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल पास किया गया है, ये करिया कानून जो पास करे है वो किसान मन के हित में नहीं है, ये पूंजीपति मन के हित में हावे। झूम भाटी हत्या